अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज आप हमारे किचन में देखेंगे ब्रेड क्रम्स बनाना। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है और इसे स्टोर करके हम रख सकते हैं काफ़ी दिन के लिए, और इसे हम यूज़ करते हैं टिक्की में, कटलेट में, फ्राई में और बहुत सारी चीज़ों में इस ये यूज़ होता है। ये बहुत अच्छी बाइंडिंग देता है, क्रिस्पीनेस देता है। तो इसके लिए मैंने 4 ब्रेड ली है, ये फ्रेश ब्रेड ली है। सैंडविच तो सभी को पसंद आता है, बट इसकी साइड हमें पसंद नहीं आती है ब्रेड की, तो हमने क्या करना है, बस इसकी साइड अवॉइड करना है। साइड हम निकाल देंगे और बीच का जो ब्रेड है वो हम अपने सैंडविच में काम ले लेंगे। फिर ये होता है कि हमने ये साइड क्या करनी है, इसलिए इसका ये तरीका ये है कि जब आप अपने घर में सैंडविच बनाएं तो इसकी साइड कट कर लें, और कट करने के बाद इसे हल्का सा ड्राई करना है। मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से, पहले आपने कट कर लेना है। इस तरीके से हमने कट कर लिए और हमें बस सिर्फ एज इसकी चाहिए, जो साइड्स होती हैं उसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। अब ये हमने 12 घंटे के लिए एक साइड में रख दिया था, और ये देखिए ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। आपने क्या करना है, शाम में बस इसे कट करके रख लेना है, मॉर्निंग में आप सैंडविच बना लें और मॉर्निंग में ही ये ड्राई हो जाएगी, तो इसका आप ब्रेड क्रम्स बना लें। एक जार में मैं डाल लूँगी। इस तरीके से सारी ब्रेड्स आ गई हैं, अब हमें इसे लिड लगानी है। डियर फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। देखिए सारी कितनी क्रिस्पी है, मैं आपको स्लो मोशन में इसलिए दिखा रही हूँ कि कितनी जल्दी ये बन जाता है। बस तैयार है हमारा ब्रेड क्रम्स। आप इसे कभी भी बना के रख लें, 10 से 15 दिन कहीं नहीं गए, और इसमें ये ड्राई रहता है तो इसलिए ख़राब होने का डर कम रहता है। अगर आप फ्रेश ब्रेड के बनाएंगे तो वो मुलायम रहता है, और वो दिक्कत करता है ये कि उसमें वो ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है। तो अगर आपने फ्रेश बनाना है तो आप 1 से 2 दिन ही चला सकते हैं, और अगर आपने ड्राई बनाना है तो आप ये 10 दिन तक आराम से चला सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।